चलिए आज हम लोग सीखेंगे चेंजर के साथ हाउस वायरिंग, यानी जो चेंजर होता है वो किस प्रकार से कार्य करता है, इसका कनेक्शन कैसे किया जाता है। तो देखिए यहाँ पर हम कनेक्शन किए भी हैं पहले से कंप्लीट करके, और इसके बाद हम आपको निकाल करके इसको खोल के एक एक पॉइंटों को दिखाएंगे। सबसे पहले हम इस चेंजर के बारे में बता दें, ये जो अपने पास चेंजर है ये देखिए 3 फेज का चेंजर है, ये छोटा सा ही चेंजर है लेकिन ये 3 फेज का मतलब 3 फेज को चेंज कर सकता है। ये चेंजर का प्रयोग कहाँ किया जाता है, जैसे कि देखिए अगर आपके घर दो तरफ से लाइट आई हुई है, कभी कभी क्या होता है कि एक तरफ की लाइट नहीं रहती है और दूसरी तरफ की लाइट रहती है, तो आप वहां पर इस चेंजर का प्रयोग कर सकते हैं। कभी कभी ऐसा होता है कि लाइट है और जनरेटर भी लगाए हुए हैं, तो वहां पे भी इस चेंजर का प्रयोग कर सकते हैं। कैसे, जैसे अगर दो लाइट आई हुई है तो अगर आप ये जो खटका है ना इसका, इसका जो ये हैंडल है इसको ऐसे ऊपर की साइड में करेंगे तो लाइट वन आने लगेगी, यानी एक तरफ की जो लाइट होगी, और इसको बीच में करेंगे तो कोई सप्लाई नहीं जाएगी, और जब नीचे करेंगे इसको दूसरी साइड में तो ये दूसरी सप्लाई जाने लगेगी, यानी दूसरी वाली लाइट घर में जाने लगेगी। ये चेंजर इसीलिए होता है, यानी फेस वन का यूज कर सकते हैं या फेस टू का यूज कर सकते हैं, या फिर अगर एक तरफ से लाइट इन करवा दें दूसरे से जनरेटर इन करवा दें, जब तक लाइट रहेगी तो आप लाइट का यूज करिए, लाइट कट गई चेंजर को दूसरी साइड में घुमा दीजिए, चेंजर स्टार्ट हो जाएगा, चेंजर चालू हो जाएगा, सप्लाई आउट होने लगेगी। तो इस प्रकार से ये हमारा चेंजर कार्य करता है। चेंजर को हम फेस वन या फेस टू के साथ लगा सकते हैं या फिर जनरेटर और लाइट के साथ लगाते हैं। इसके पहले हम बात करें इस चेंजर के बारे में, तो इसमें देखिए क्या क्या है। इसका जो पॉइंटर है ये जो डायमंड कंपनी का चेंजर है यहाँ पर, और देखिए इस पर क्या क्या लिखा है, इस पे ये 16 एम्पियर, तो ये 16 एम्पियर का चेंजर है और ये 415 वोल्ट, यानी 415 वोल्ट की सप्लाई तक कंट्रोल करता है। 3 फेज का है यानी 3 फेज यूज किया जाएगा। 50 हर्ट्ज, 50 हर्ट्ज क्या होता है जानते हैं, फ्रीक्वेंसी, यानी जो लाइट होती है वो हमारे इंडिया की लाइट 1 सेकंड में लगभग 50 से 60 बार आती जाती है, तो इसका प्रयोग हम वहां पर करेंगे 50 हर्ट्ज तक। और उसके बाद ये देखिए मेड इन इंडिया, ये इंडिया का बना हुआ है, यानी डायमंड कंपनी है, 16 एम्पियर का चेंजर है और 415 वोल्ट तक की सप्लाई को कंट्रोल करेगा, और 3 फेज की सप्लाई इसमें दिया जा सकता है। अब 2 फेज भी है तो भी इसका यूज कर सकते हैं, और 1 फेज है 50 हर्ट्ज तो भी कर सकते हैं, मेड इन इंडिया का बना हुआ है। अब हम इसके कनेक्शन के बारे में समझेंगे, इसका जो पॉइंटर है वो किस प्रकार से कहां पे काम करता है। इसमें देखिए 2 पॉइंट है सप्लाई देने के लिए, जैसे कि देखिए इसमें सप्लाई हम दे दिए, अगर सप्लाई को अभी थोड़ी देर बंद कर देते हैं तो इसके अंदर 2 पॉइंट है और एक है रिवर्स और एक है फॉरवर्ड। रिवर्स का मतलब पीछे और फॉरवर्ड का मतलब आगे। ये रिवर्स का मतलब ये हुआ कि जो दूसरी लाइट आई हुई है, या फिर आप कह सकते हैं जैसे 2 क्षेत्र से लाइट आई हुई है, जैसे 2 मार्केट से आई हुई है, 2 जगह 2 पावर हाउसों से आई हुई है, तो एक साइड रिवर्स में जोड़ दीजिए और एक फॉरवर्ड में जोड़ सकते हैं, या फिर अगर आप चाहें तो इसको जनरेटर द्वारा जोड़ रहे हैं तो रिवर्स में जनरेटर या फॉरवर्ड में जनरेटर, एक में जनरेटर एक में लाइट कर सकते हैं। इसको देखिए सप्लाई अगर इसमें दे दिया गया, यहां से हमने बोर्ड में इसको सप्लाई दिया है, तो अगर हम सप्लाई इसको दे दिए तो ऐसे जैसे ही हम इसको किसी एक साइड में करेंगे तो एक साइड का बल्ब जल रहा है, और दूसरी साइड कर रहे हैं तो ये देखेंगे दूसरी साइड का बल्ब जल रहा है। इसमें हम लोग किए क्या है, इसमें देखिए जो सप्लाई इन हुई है वो एक ही हुई है, ये जैसे हमारा नॉर्मल स्विच होती है ना, अब तक हम लोग समझे कि जो हमारी 2-वे स्विच होती है जिसमें तार जोड़ने के लिए 3 पॉइंट होते हैं, ये सेम उसी आधार पे कार्य करता है। इसको हम निकाल करके इसका कनेक्शन आपको पहले दिखाएं फिर समझ में आएगा। सेम उसी आधार पे कार्य करता है। इसको देखिए ये जो बॉक्स है ना पहले से खोल के रखा हुआ है, यहां पर देखेंगे इसका जो तार जुड़ा है, देख सकते हैं ये 2 तार बीच में है जो मेन सप्लाई जिसको हमने इन करवा रहे थे, और 2 तार इधर बल्ब वाला एक तरफ है और ये दूसरा बल्ब वाला दूसरी तरफ है। 3-3 पॉइंट तार जोड़ने के लिए। इसमें होता क्या है, जैसे कि हम जैसे चेंजर बीच में है तो सप्लाई बंद है, कट है, और जैसे हम किसी एक साइड में ऑन किए तो ये बीच वाला पॉइंट इधर की टच हो जाता है। मतलब समझिए कि अगर ये हमारा सीधा पोजीशन है, और सीधा पोजीशन उसका ऐसे होता है कि ये हैंडल जो है ना ये चेंजर के दाहिने तरफ पड़ती है हमेशा, क्योंकि दाहिने हाथ से हम इसको घुमा सकते हैं। अगर ये लेफ्ट पड़ेगी, बाएं साइड में पड़ेगी तो बाएं हाथ से घुमाना पड़ेगा, तो ये दाहिने साइड में होती है। अगर इस चेंजर को आप ऐसे नीचे की साइड में करेंगे तो बीच वाला पॉइंट नीचे से टच होगा, और जैसे इसको ऊपर की साइड में टच करेंगे तो बीच वाला पॉइंट जो ऊपर से टच होगा, एकदम नॉर्मल 2-वे स्विच की तरह ही कार्य करता है, बिल्कुल सेम उसी आधार पे। जैसे बीच में रहेगा तो ऑफ रहेगा। अब हम आपको पत्ती भी दिखा देते हैं कि कहां पे टच होता है जाकर के। जैसे यहां पर देखेंगे जो मेन पॉइंटर है ये इसकी मेन पत्ती है, जैसे हम किसी एक साइड में इसको जैसे ही करेंगे ना, जैसे इसको किसी एक साइड में करेंगे देखेंगे ये बीच वाला पॉइंट जो है वो टच हो जाता है, टच हो जाता है, बीच वाला जो पॉइंट है वो टच हो जाता है। जैसे देखिए उधर करिए, ऐसे देखिए, जैसे ये उल्टा देखिए किस तरह से हुआ है, ये इसका पीछे का पॉइंट है ना और ये इसका सीधा पोजीशन है। तो अब हम ऐसे अगर करके दिखाएं, यहां से इसको अगर हम ये देखिए एकदम इधर करेंगे तो ऐसे देखेंगे ये सप्लाई इस समय जो उधर वाले पे टच है वो हमें दिख नहीं रही है। अगर हम इसको इधर करते हैं ऐसे पूरी तरह से,
तब यहाँ पर देख पाएंगे कि ये जो पत्ती है उसमें जा करके टच है। जैसे हम इसको चेंज करेंगे बदलेंगे तो ये सप्लाई दूसरे पर उसपे से छोड़ देगी, जैसे देखिए उसी तरह से ऐसे यहाँ पे टच होती है और छोड़ती है। यानी कि जब ये नीचे के साइड में किया जाएगा तो बीच वाला पॉइंट नीचे से टच होगा, और जब ऊपर किया जाएगा तो बीच वाला पॉइंट ऊपर से टच होगा। इसीलिए क्या हो रहा था यहाँ पर, जब हम इसमें सप्लाई दिए थे तो मेन सप्लाई यहाँ पे आ रही थी, यानी बीच में तो डायरेक्ट सप्लाई आ रही थी, और जब हम इसको ऊपर के साइड में उठा रहे थे तो ये बीच वाला पॉइंट इधर टच हो रहा था। जब इधर टच हो रहा था ये हमारा एक बल्ब जल रहा था, और जब हम इसको दूसरी साइड में कर रहे थे यही बीच वाला पॉइंट दूसरी साइड में टच हो रहा था, तब जाके हमारा ये दूसरा बल्ब जल रहा था, तब ये हमारा दूसरा बल्ब जल रहा था। इस प्रकार से ये इसका कनेक्शन है, लेकिन ये हमारा जो है कि टू वे स्विच की जगह पे हम यूज किए, जैसे सीढ़ी कनेक्शन में यूज होता है। लेकिन जब हमारे पास दो फेस रहेगा तो ये जो जिसमें हम बल्ब जोड़े हैं ना, इसमें हमारा मेन फेस जुड़ेगा, यानी समझिए कि जनरेटर या लाइट का पॉइंट एक फेस इधर जुड़ेगा और या एक फेस इधर जुड़ेगा। यानी समझिए कि लाइट का मान लीजिए हम एक साइड में जोड़ रहे हैं तो दूसरी साइड में जनरेटर का जोड़ देंगे, और जो बीच वाला पॉइंट है ये होगा हमारा सप्लाई आउट। यानी कि जब हम नीचे करेंगे, मान लीजिए ये हमारा जनरेटर है और इधर लाइट है, तो जब हम नीचे करेंगे साइड करेंगे तो बीच वाला पॉइंट नीचे से टच होगा, और जब नीचे से टच होगा तो यहां जो सप्लाई आएगी, जो पावर आएगा वो जनरेटर का आ रहा होगा, इसलिए जो घर में लाइट जाएगी वो जनरेटर जाएगी। और जैसे ही सप्लाई को हम इसको ऊपर की साइड में करेंगे और यहां से हम लाइट दिए रहेंगे तो लाइट की सप्लाई यहां तक तो हमेशा रहेगी, और जब इसको हम ऊपर कर देंगे ऐसे इस प्रकार से इसको घुमा देंगे तो ये बीच वाला पॉइंट यहां से ऊपर से टच हो जाएगा और फिर यहां से सप्लाई आउट होगी, तो घर में जो लाइट जाएगी वो फेस का जाएगा, यानी कि लाइट वाली जाएगी। तो इधर करने से लाइट वाली और उधर करने से जनरेटर वाली, इस प्रकार से नॉर्मल तरीके से हमारा जो चेंजर है वो कार्य करता है। तो अगर वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, और किसी भी प्रकार का अगर सवाल या सुझाव है तो कमेंट करके पूछें।